अनुकंपा नियुक्ति के लिए रिश्वत मांगने वाले आरोपी स्वास्थ्य विभाग के लेखापाल को कलेक्टर ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। उज्जैन जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ रहे लेखापाल नरेंद्र पाराशार को जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह जानकारी कलेक्टर ने गुरुवार को कोठी मार्ग स्थित कार्यालय पर दी। दरअसल मामला इस प्रकार है कि स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ भृत्य शांति लाल की मृत्यु 2017 में हुई थी। अनुकंपा नियुक्ति के लिए पुत्र रवि ने लेखापाल नरेंद्र पाराशार को आवेदन दिया तो लेखापाल ने 50,000 रुपए की मांग की। फरियादी ने रिश्वत मांगने की ऑडियो रिकॉर्ड की थी जो कि शिकायत के साथ उच्च अधिकारियों को दे दी थी। वर्ष 2019 में लेखापाल को निलंबित किया गया और अब सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सीएमएचओ ऑफिस में एक लेखापाल होते थे जिनकी डी चल रही थी, काफ़ी समय से चल रही थी और उनकी डी अभी कंक्लूड हुई है और उसमें ये पाया गया है कि जो उनके ऊपर आरोप लगे थे, लगभग 50,000 की रिश्वत मांगने के उनके ऊपर आरोप थे, जो काफ़ी कुछ प्रमाणित पाए गए और चूंकि बहुत गंभीर अपराध है, इस प्रकार की अनियमितता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बाकी लोगों के लिए एक चेतावनी भी है। मैं हमेशा यकीन करता हूँ कि हमको बहुत पारदर्शी तरीके से जनता के हित में सदैव काम करना है। अगर इस प्रकार की चीज़ें होंगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनको हम लोगों ने सेवा से बर्खास्त किया है, डिसमिस सर्विस से किया है। अगर भविष्य में भी कोई इस प्रकार की शिकायतें आती है तो उसको बहुत सख्ती से हमारे द्वारा उससे निपटा जाएगा।